पहुंच के क्या करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, मेडल लटकाना है गले में है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल बनना है, घर वालों को खुश करना है, फैमिली बिल्ड करनी है, यही तो चाहिए ना। जब आप ये सारी चीजें बिना स्टेरॉइड और ड्रग्स लिए अचीव कर सकते, आप जितनी भी तगड़ी बॉडी देखते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तगड़ी बॉडी है ना, जो मसल मास के साथ कटिंग लेकर घूम रहे हैं, वो 70-80% बॉडी खोखली पड़ी अंदर से, वो लड़के। तो जैसे कि मैं कह रहा था, मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, एब्सोल्युटली नेचुरल। तो फिर ये नेचुरल जो सिरिंज में है चीजें, इसको हाँ, शोल्डर में लगाएं या ग्लूट पे लगाएं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हैं मनीष यादव, इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, फिर से काफ़ी अच्छी अपडेट लेके आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से। कुछ फिजिक अपडेट, कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज़, कुछ फिटनेस फ्रीक के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, लेट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, फर्स्ट अपडेट हो रही है मीमू युवराज की तरफ से, फिजिक अपडेट आ रहा है इनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट आ रहा है, और इनका साइज काफ़ी डेवलप लग रहा है पहले से। आप देख सकते हो कि बैक का मसल काफ़ी फुलर दिख रहा है, एंड ऑन स्टेज कैसा हो ये तो नहीं है, क्योंकि हमेशा इनका ऑफ सीजन में तो काफी साइज रहता है, बट जब ऑन स्टेज आते हैं तो इनका साइज कहीं ना कहीं कम जाता है, जिसके कारण वो रह जाते हैं। एंड उनकी कंडीशनिंग की बात करें तो वो काफी अच्छी रहता है, आप मतलब हार्डनेस उनमें देख सकते हो, लेकिन बस इस बार मैं चाहूंगा कि ऑन स्टेज वो साइज लेकर ही उतरे। काईकी कंपटीशन भैया बहुत खतरनाक होने वाला है इस बार, खास करके मेंस फिजिक में टॉप टॉप एथलीट आ रहे हैं इस बार मेंस फिजिक में। तो क्या लगता है दोस्तों, मीमू युवराज से कंपीट कर पाएंगे उन लोगों को? एंड लास्ट सेकंड अपडेट है, हिमांशु शर्मा का करंट फिजिक अपडेट आ चुका है, आप उसमें देख सकते हैं, वो गुरुजी के साथ थे, मुकेश गहलोत सर के साथ देख सकते हैं उन्हें, वो लगातार ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मतलब डेब्यू कर रहे हैं अपना बॉडी बिल्डिंग की तरफ। पहले वो पावर लिफ्टर थे, एंड अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ स्विच कर चुके हैं, और इनके पास सबसे बड़ा खासियत है कि इनके पास साइज़ काफ़ी अच्छा है, एंड कटिंग भी बॉडी में काफ़ी अच्छी दिख रही है, कंडीशनिंग तो टॉप है ही, अब ऑन स्टेज जितना बेहतर लिया है, और मुझे लगता भी है कि आएगा भी, क्योंकि इनके गुरु ऑलरेडी मुकेश गहलोत सर हैं, तो उनके स्टूडेंट है तो काफ़ी अच्छा होने वाला भी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हिमांशु शर्मा कैसा पैकेज लेके आते हैं ऑन स्टेज। एंड नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, जो एक और फिजिक अपडेट आ रहा है हरविंदर सिंह की तरफ से, ये भी एक मेंस फिजिक एथलीट है, इनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट आ चुका है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं पहले से, काफ़ी अच्छे। एक चीज़ में खासियत है कि ये हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं, लगता है कि जैसे कि हमेशा कटिंग प्रेप में ही रहते हैं, और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इनका जो सबसे खासियत है ना, एकदम नैरो वेस्ट है, मान लो यार मीमू युवराज और हरविंदर सिंह दोनों एकदम सेम दिखते, बट मीमू युवराज कहीं ना कहीं इनसे सिर्फ साइज़ में हार जाते हैं, बट हरविंदर सिंह साइज़ भी काफ़ी अच्छा पुट ऑन कर रखे हैं बॉडी में। तो क्या लगता है दोस्तों, कि हरविंदर सिंह कम्पीट कर पाएंगे उन सभी को? एंड नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी कंट्रोवर्सियल कुछ दिनों से चल रहा है, वो है नेचुरल और स्टेरॉयड बॉडी बिल्डर। सब कोई अपना अपना राय रख रहा है, जैसे दोस्तों जिसलाल, तरुण गेल, राजवीर सिसोदिया, तीनों का एक एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जिसलाल नेचुरल रहने का सलाह दे रहे हैं कि अब नेचुरल रह के ही बॉडी बिल्डिंग करो, क्या नहीं आप इसमें पा सकते हो। एक स्टेरॉयड बॉडी बिल्डर भी जो चाह सकता है, जो अचीव कर पाता है, जो उसे बॉडी बनाने के बाद मिल सकता है, वो नेचुरल रह के भी तुम ले सकते हो, नेम फेम पैसा। तो उसी पर राजवीर सिसोदिया भी बोल रहे हैं कि भाई नेचुरल हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है स्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग से। बट उसके अगेंस्ट तरुण गिल बोलते हैं कि यार सभी स्टेरॉयड ले रहे हैं छुप छुपा के, सिर्फ रोना रो रहे हैं कि मैं तो नेचुरल हूँ। तरुण गिल अच्छा से लिया है, और है भी भाई, आप जिससे भी पूछोगे मसल मीनिया खेलने जा रहा है, भाई मैं नेचुरल हूँ, सब पता चल रहा भाई कि तुम कितना नेचुरल हो। कहीं ना कहीं इस बात मैं एग्री करता हूँ, तरुण गिल के साथ जा रहा हूँ, ये सच ही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए तीनों का वीडियो दिखाते हैं, और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो मैं ये नेचुरल सुप्रीमेसी कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है भाई, ये इमोशन है, ये जज्बात है हमारे, और ये जज्बात हमें ये याद दिलाते हैं क्या हम इस दुनिया में हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। वी बिलीव कि हम बिना स्टेरॉइड बिना ड्रग्स लिए अपने जो अल्टीमेट गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। आखिरी में पहुंच के क्या करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, मेडल लटकाना है गले में है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल बनना है, घर वालों को खुश करना है, फैमिली बिल्ड करनी है, यही तो चाहिए ना। जब आप ये सारी चीजें बिना स्टेरॉइड और ड्रग्स लिए अचीव कर सकते हो, तो व्हाई द हेल यू वांट टू गो ऑन दैट पाथ जहां पे आपको मजबूरियां ड्रग्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं, दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो रही हैं, और वही कॉम्प्लिकेशंस आप वही जहर अपने आने वाली जनरेशंस को पास ऑन कर रहे हैं, अपने बच्चों में वही जेनेटिक्स डालोगे, कहेंगे पापा क्या किया ये हमारे साथ, और ये इसका भी पता नहीं है कि ये ड्रग्स स्टेरॉइड लेके आपकी जिंदगी आगे कितनी चलेगी। आप जितनी भी तगड़ी बॉडी देखते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तगड़ी बॉडी है ना, जो मसल मास के साथ कटिंग लेकर घूम रहे हैं, वो 70-80% बॉडी खोखली पड़ी अंदर से, वो लड़के इतने डिप्रेशन में अंदर से, वो ना तो किसी के साथ शेयर, मैं जैसे चौड़े में शेयर कर रहा हूँ ना, वो शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रहे। किसी की बहुत तगड़ी बॉडी देख रहे हो तो आपको ऐसे लगता होगा कि यार क्या बॉडी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भगवान इसे उठाइयो मत जल्दी से,
माँ बाप बेचारे का वेट कर रहे होंगे या इसको जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना होगा, इसको सदबुद्धि देना कि माल वाल छोड़ के नॉर्मल रहना सीख जाए। अब हमारा आदेश देखो कितना तगड़ा था, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई क्यों? क्योंकि उसने ब्लड टेस्ट करवाया नहीं, उसको पता लगा नहीं कि उसकी बॉडी में क्या डैमेज है। जब एंड में आके जब ब्लड टेस्ट करवाए सब कुछ उसकी बॉडी में जीरो था। हंसते खेलते चला गया हॉस्पिटल के अंदर, हंस रहा बातें कर रहा, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जब हम बॉडी के अंदर इतना सारे स्टीरॉइड डालते हैं, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डालते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देता है। वो हमें बहुत ज़्यादा लेट जाके पता लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जो भी मेरे भाई ये सब करते हैं, पहले तो ना करें। और जो नए खिलाड़ी करना चाह रहे हैं, भाई आप इस कुएं में दलदल में पांव रखोगे, आप इसके आदी हो जाओगे। या तो मैं हो चुका हूँ बिल्कुल नेचुरल, इतना नेचुरल कि मैं नेचुरल ही खाता हूँ, KFC का चिकन, मैगी। मैन मुझे इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप भी नेचुरल रहो और देखो फिर कैसे आते हैं रिजल्ट्स। तो जैसे कि मैं कह रहा था, मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, एब्सोल्युटली नेचुरल। तो फिर ये नेचुरल जो सिरिंज में है चीज़ें, इसको शोल्डर में लगाएं या ग्लूट पे लगाएं? क्योंकि कल तो ग्लूट पे लगाया था, लगा था ना, आज डेल्ट पे लगा लेते हैं। डेल्ट पे लगा लेते हैं, आज डेल्ट पे लगाते हैं। कंप्लीटली नेचुरल। ये मैसेज उन नेटिस के लिए, फेक नेटिस के लिए, जो कहते कुछ और हैं, खाते कुछ और हैं, बिल्कुल लगाते कुछ और हैं, और कहते हम तो कुछ लगाते ही नहीं। भाई आप सब लगाते हो, सब लगाते हो, सो फकिंग एडमिट इट। बिल्कुल आप सब खाते हो। और ये फॉल्स ट्रैप्स में आना आप बंद कर दीजिए। जो जो दिखाता है वो लगाता भी है, कोई नेचुरल नहीं होता है। यार तू जल्दी देर क्यों कर रहा है यार? यस सर प्लीज लगाओ इसको यार। मर्द को दर्द नहीं होता। दोस्तों अब चलिए लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे फॉरनर वॉज विलगर की तरफ से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले अली बिलाल के फिजिक अपडेट के बारे में। उन्होंने कैप्शन में लिखते हैं कि 11 वीक्स आउट हैं वो पिट्सबर्ग से। और एक बार फिर बता दूं दोस्तों कि काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है पिट्सबर्ग में, क्योंकि फरकनर और अली बिलाल फिर एक दोनों सामने दिखने वाले हैं, एक दूसरे के आमने सामने जरूर दिखेंगे इस बार फिर से। दोस्तों बता दूँ कि काफ़ी कंपटीशन इन दोनों में टफ हो जाता है। दोनों का साइज और ओब्लिक और एब्डोमिनल्स काफ़ी तगड़ा दिखता है। एंड कैप्शन में लिखते हैं कि अली बिलाल अपने कैप्शन में लिखते हैं कि कोच, जो मेरे कोच है, मैजिक मैन है, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझमें कहीं ना कहीं अभी सुधार की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे अभी काफ़ी समय है। तो दोस्तों ये काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं और ये अपने कोच पर काफ़ी भरोसा कर रहे हैं कि अगर मेरे अंदर जो भी कमी है, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं मैं मुझमें कमी है और उससे वो पूरा करेंगे। अब वो इसलिए बोल रहे हैं ना कि पिट्सबर्ग के लिए, वो डायरेक्ट ओलंपिया का सोच रखे हुए हैं। वो सीधे सोचते हैं कि मुझे ओलंपिया के नज़र से ही देखना है, वहाँ के स्तर से चलना है। और सही भी है भाई, लास्ट टाइम टॉप 10 में रहे थे, लेकिन इस बार वो चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ अलग दिखना है। तो क्या लगता है दोस्तों कि अली बिलाल में कैसा डेवलपमेंट आने वाला है? तो आप अपना कमेंट जरूर करें मुझे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड दोस्तों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।